इस वीडियो में मैं आपको 5G के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी जो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है इंडिया में, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। मेरा नाम है सतीश। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, आपके कमेंट ज़रूर टाइप कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 5G ये जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इससे पहले के जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 3G, 4G, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। तो ये पहला जो आया है वो है 1G, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये 1980 में आया, 1980 में आया। इसकी जो स्पीड थी वो थी 2.4 KBPS। जी हाँ, ये आप ये स्पीड के बारे में सुनते हैं आप हंसेंगे। जी हाँ, इस पर आप इंटरनेट सर्फिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी। जी हाँ, ये जो फर्स्ट जनरेशन इन वायरलेस टेक्नोलॉजी 1980 में आया था इंडिया में, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, वो थी 2.4 KBPS। जी हाँ, तो इम्प्रूवमेंट होते होते टेक्नोलॉजी में 1990 और 91 के बीच में आया 2G। जी हाँ, सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, और ये डिजिटल सिग्नल्स पे चलता था, और जो फर्स्ट जनरेशन था वो एनालॉग सिग्नल्स पे चलता था। और ये जो 2G लॉन्च हुआ, सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल सिग्नल्स पे चलता था। तो इसकी स्पीड थी 64 KBPS। जी हाँ, स्पीड अच्छी थी, लेकिन इस पर आप वीडियो कॉल्स या HD कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग ये नहीं कर सकते थे। इस पर आप मैसेजेस और कॉल्स कर सकते थे। इसमें भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी आवश्यकता थी। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये तो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ती है, इम्प्रूव ही होती रहती है हर बार। और फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आया वो है 3G। जी हाँ, 1998 में 3G लॉन्च हुआ, थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और इसकी जो स्पीड थी वो थी 2 MBPS। जी हाँ, 2 MBPS, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड थी। इसमें आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे और बड़ी फाइल्स, जो डाटा था बड़ी फाइल्स का, वो आप इसमें भेज सकते थे, रिसीव कर सकते थे। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी, वो थी थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। और धीरे धीरे फिर और आगे हम बढ़े 3G के बाद। इसकी स्पीड मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें स्पीड मिलती थी 2 MBPS, और इसमें जो बड़ी फाइल्स हम सेंड कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी अब रुकने वाली कहाँ है, ये फिर थोड़ा रिसर्च वर्क हुआ। उसके बाद आया 4G नेटवर्क। जी हाँ, 4G नेटवर्क आया, वो है 2010 और 2011 के बीच में 4G लॉन्च हो गया, जो वॉल्टे के नाम से, आप जब भी मोबाइल फ़ोन पे आपके अभी देखते हैं तो वॉल्टे आता है लिख करके। तो 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ और इसकी स्पीड काफ़ी बेहतरीन थी, और ये मैंने साल बताया 2010 और 2011 में 4G लॉन्च हुआ, और इसकी स्पीड थी 100 MBPS। जी हाँ, इस पर आप HD कॉलिंग कर सकते हैं, HD वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क था। और जियो ने तो इसमें तहलका कर दिया। जियो ने जो 3 या 4 महीने के लिए फ्री इंटरनेट दिया था जब जियो लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने 4G का इस्तेमाल किया, काफ़ी लोग इंटरनेट से जुड़ गए, और जो इंटरनेट का ग्राफ था, जो लोग जुड़ रहे थे, वो ऊपर की तरफ इतना चला गया कि काफ़ी लोग इंटरनेट से उस वक्त जुड़ गए। जी हाँ दोस्तों, जब ये 4G आया उसके बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, और अब 5G लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, 5G इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अब देखिए, ये इसकी जो स्पीड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 100 गुना ज़्यादा है 4G से। इसकी स्पीड होगी 10 GBPS। जी हाँ, 10 GBPS, यानी आप 2 घंटे की जो 1 GB की मूवी होगी वो आप 24 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। सोचिए क्या ज़बरदस्त स्पीड होगी, 10 GBPS की स्पीड होगी 5G में। और ये लॉन्च होने वाला है 2022 और 2023 में इंडिया में। जी हाँ, सभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे 2022 और 2023 में 5G सर्विस। और इसकी स्पीड जैसे कि मैंने आपको बताया 10 GBPS, जो 100 गुना
4G जो अभी चल रहा है, फोर्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायर टेक्नोलॉजी, इसकी स्पीड 100 गुना होगी जो अभी की 4G टेक्नोलॉजी से, काफ़ी अच्छी स्पीड होगी। और ये मल्टी GBPS स्पीड होगी, इसमें मैसिव नेटवर्क होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी और आप एक नेटवर्क से काफ़ी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं 5G में। जी हाँ, एक 5G कनेक्शन से आप मल्टीपल डिवाइस उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इसके लिए टावर जो है छोटे छोटे टावर सेट किए जाएंगे। अभी 4G के लिए कैसा एक ही टावर होता है, 5G नेटवर्क होगा उसके लिए छोटे छोटे काफ़ी टावर्स सेट किए जाएंगे। इससे जो इसकी स्पीड, कनेक्टिविटी और इसका नेटवर्क काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो इंडिया में ये 2022-2023 तक का आ जाएगा और सभी 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आगे हमको यूज़ करने के लिए मिलने वाली है। थोड़ी कॉस्ट तो हमको देनी पड़ेगी, कॉस्टिंग में थोड़ा अंतर होगा, शुरुआत में सभी नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि इसके लोग इससे जुड़ते जाएंगे, इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी, कॉम्पिटिशन होगा, तो यूज़र्स को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो 5G नेटवर्क, 5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है और इसकी जो स्पीड होगी वो अनबिलीवेबल होने वाली है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी 5G के बारे में, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, आपके कमेंट जरूर टाइप कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।